हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टू वे फ्लो थ्योरी के बारे में, टू वे स्टेप फ्लो थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें नेम इन्वॉल्व हैं वो हैं पॉल लेज़रफील्ड, बर्नर्ड और हेज़ल का, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली 1944 के अराउंड थ्योरी दी गई थी। क्यों दी गई थी, कैसे दी गई थी, मैं आपको बताती हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 1940s में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, हम लोगों ने लास्ट थ्योरी जो पढ़ी थी मैजिक बुलेट थ्योरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मीडिया एक बुलेट शूट करती है और वो ऑडियंस के दिमाग में जा कर के फिट हो जाता है। बट टू वे स्टेप फ्लो थ्रू थ्योरी थी, उसका ये कहना था कि मीडिया हैज़ लिमिटेड इफेक्ट। मीडिया हैज़ लिमिटेड इफेक्ट मतलब मीडिया का जो इफेक्ट होता है वो एक तरह से बहुत ही लिमिटेड होता है, लिमिट के अंदर होता है उसका इफेक्ट, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मैजिक बुलेट थ्योरी ये कहती थी कि मीडिया हमें टोटली वो दे देती है, मीडिया जो होती है वो डायरेक्टली जो कहती है वो ऑडियंस के दिमाग में फिट हो जाता है, ठीक है। मीडिया जो कहती है वो ऑडियंस के दिमाग में फिट हो जाता है, ये हमें कहती थी मैजिक बुलेट थ्योरी। लेकिन मैजिक बुलेट थ्योरी से बिल्कुल विपरीत, ऑपोजिट, ये कहती है, टू वे स्टेप फ्लो थ्योरी कहती है कि मीडिया हैज़ लिमिटेड इफेक्ट। अब होता कैसे, क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। सी, इसमें सबसे पहले क्या है कि ये है मीडिया, ठीक है, ये है मीडिया। मीडिया का एक है मैसेज, और मीडिया का जो मैसेज है वो ऑडियंस के पास डायरेक्टली ना आकर के, ऑडियंस के पास डायरेक्टली ना आकर के कहाँ जाता है, ओपिनियन लीडर के पास जाता है, ठीक है। ओपिनियन लीडर यहाँ पर आ जाता है और वो फिर मैसेज देता है ऑडियंस में, ठीक है। तो ओपिनियन लीडर एक्चुअली होता कौन है, 1940s का जो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें ये देखा गया कि मीडिया का डायरेक्टली डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था, कुछ और चीज़ें थी जो पब्लिक का ओपिनियन बना रही थी। और वो कौन था ओपिनियन लीडर, ओपिनियन लीडर बेसिकली वो इंसान होता है जिसकी मान्यता एक सोसाइटी में ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो कि आपकी फैमिली है, तो फैमिली में अगर कुछ आपके पापा आकर के बोलते हैं कि बाहर ऐसा ऐसी ऐसी चीज़ है, ये बंदा सही है, वो बंदा गलत है, तो कहीं ना कहीं उनका जो ओपिनियन होता है वो हमारा ओपिनियन फॉर्म करता है। तो जो भी विश्वसनीय, जो जिसके ऊपर जो एक ट्रस्टवर्दी इंसान होता है उसको हम लोग बिलीव करते हैं। लेकिन आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो ओपिनियन लीडर होते हैं वो वोट्स के लिए हम लोगों को मिसगाइड भी करते हैं ना, पब्लिक को मिसगाइड भी करते हैं। लेकिन ओपिनियन लीडर वही होते हैं, जैसे कि आजकल क्या होता है कि जो गरीब हैं, जो मज़दूर वगैरह हैं, उन पे क्या करते हैं ओपिनियन लीडर, अपने वोट के लिए उनको एक तरह से मिसलीड करते हैं, ठीक है। तो ओपिनियन लीडर कैसे इन्फॉर्मेशन को देते हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ गेट कीपर्स। मैंने कोई उनके पास कोई मीडिया से उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, फिर उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से पोर्ट्रे किया, किस तरह से लिया और किस तरह से उन्होंने बाकी अपने लोगों में कम्युनिकेट किया, ठीक है। ओपिनियन लीडर ने किस तरह से उस चीज़ को बताया, तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड टू वे स्टेप फ्लो थ्योरी, ठीक है। टू वे स्टेप फ्लो थ्योरी, जिसमें ये कहा गया कि जो ऑडियंस का जो ओपिनियन होता है वो एक तरह से ओपिनियन लीडर फॉर्म करते हैं, और ओपिनियन लीडर पे ही बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि ओपिनियन लीडर की किस तरह की थिंकिंग है, किस ओपिनियन लीडर कैसे सोचता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो डू ड्रॉप मी, और आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा, और बाकी जितनी भी थ्योरीज हैं मैं उनके साथ वापस आऊँगी। और आपको और कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिसमें मैं उस